नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं गुरु ट्रिक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ रेडमी 4A की। वो लगभग दूसरे मोबाइल में भी चली जाएंगे, पर ये जो है ये MIUI 8 की ट्रिक्स है वैसे, पर रेडमी 4A में करने जा रहा हूँ तो मैं रेडमी 4A के लिए बता रहा हूँ ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ट्रिक जो मिलेगी वो मिलेगी PIP, पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो इस मोड में आप करना क्या होता है, कुछ नहीं, इसके लिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो MI के ऑफिशियल ब्राउज़र में मिलता है। तो उसमें करना क्या होता है, आपको कोई भी YouTube पे खोलेंगे या वीडियो की लिंक खोलेंगे, YouTube पे तो ऑफिशियली आ रहा था, मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ। तो उधर आपको कोई भी वीडियो चलाएंगे, जैसे कि मैंने ऐड चलाई कोई कुछ भी, इधर आपको राइट साइड कॉर्नर में एक बटन मिल रहा होगा पिक्चर इन पिक्चर मोड का। तो इस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो पिक्चर इन पिक्चर मोड में हो जाएगी। ये काफ़ी हद तक आपको मदद करेगी, जैसे कि आप कुछ और चीज़ कर रहे हो उसके साथ साथ आप पिक्चर इन पिक्चर मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से आप इसका स्क्रीन साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऊपर से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट ट्रिक है। दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, वो ट्रिक जो है वो है कॉल की। तो उसमें आपको करना क्या होता है, वैसे ही आप अपनी कॉल की सेटिंग खोलेंगे तो उधर आपको एक सेटिंग दिख रही होगी इनकमिंग कॉल सेटिंग्स। तो इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर दबाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कि जैसे कि आप, मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक में होगा फ्लैश वेंडिंग। तो आपकी फ्लैश लाइट जलेगी जब जैसे किसी की कॉल आएगी। और यहाँ पे आप और भी सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, म्यूट कर सकते हैं अननोन नंबर्स के लिए, शुरू में जो शुरू की रिंग बजेगी वो म्यूट बजेगी, बाद में रिंग अपना बजने लगेगी। तो ये भी काफ़ी हद तक मदद करेगी। और जो लास्ट और बेस्ट ट्रिक है वो है थर्ड ट्रिक। ये ट्रिक तो सभी मोबाइलों में मिल जाएंगे जो मैंने ट्रिक बताई है, ये MI की ट्रिक्स है, MIUI 8 में ही अवेलेबल है। तो उसमें आपको करना क्या, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन एंड मोड, आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे दिखा रहा है कि स्वाइप करो फिंगर को अपनी ऐसे, तो ऐसे मैंने किया तो इसने पूछा एंटर वन एंड मोड, तो वन एंड मोड में चला गया। अब कुछ नहीं करना होता, वन एंड मोड में जाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको अगर रात में या एक हैंड से फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा करता है मदद। तो जैसे कि अब आपका स्क्रीन साइज 5 या 5 इंच से ज़्यादा बढ़ा है तो उस मोबाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।